वेलकम बैक टू फैक्ट टू ऑसम। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है फ्रेंड्स। सो सॉरी फॉर डिले, मैंने बहुत दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ और इसका कारण ये है कि मैं वीडियो बना नहीं पाई हूँ क्योंकि कुछ फंक्शंस थे हमारे घर में जिसकी वजह से मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला और मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी फ्रेंड्स। तो आज फिर मैं आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और फ्रेंड्स ये है पार्टी मेकअप लुक, जो आप लोग बहुत ही आसानी से 15 से 20 मिनट के अंदर रेडी होके वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्ल्ड बेस्ट जो मैंने मॉइस्चराइज़र बताया था, मैंने वो फेस पे बहुत अच्छे से अपने लगाया है और उसके बाद मैं लिप्स को भी वैसलीन से हाइड्रेट करूँगी क्योंकि स्किन को मॉइस्चराइज़ होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेकअप में। तो मैंने बहुत अच्छे से क्लिंजिंग और मॉइस्चराइजिंग कर ली है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं यहाँ पर प्राइमर लगाऊँगी स्विस ब्यूटी का, क्योंकि प्राइमर भी हमारे मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे हमारा जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल और बहुत ही फ्लॉलेस लुक आता है। तो अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं सेवन हेवन का फाउंडेशन यूज़ करूँगी क्योंकि ये एक नाइट पार्टी है और मुझे थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए। तो मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे डैप डैप की मोशन में अपने स्किन पर लगाऊँगी। और क्योंकि मेरे डार्क सर्किल हैं तो मैं अपनी अंडर आई एरिया पे भी इसे लगाऊंगी और बहुत ही लाइट मोशन में मैं फाउंडेशन को सेट करूंगी अपने स्किन पे। और जो मेरे ब्यूटी ब्लेंडर का छोटा साइड है उसे मैं अपने अंडर आई एरिया को कवर करूंगी। और फ्रेंड्स जब भी आपका फाउंडेशन लगे कि वो ज़्यादा हो रहा है तो क्योंकि मेकअप हमारी स्किन पे एब्जॉर्ब होता है, तो आप बिल्कुल भी मत ऐसा सोचिए कि हमारा जो फाउंडेशन है वो ज़्यादा हो रहा है। वो आधे घंटे बाद हम और आप अपनी नेक को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे मेबिलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। डार्क शो होती है वहाँ पे मैं अपना ये कंसीलर यूज़ करूँगी। और फ्रेंड्स आप भी कोशिश करिए कि हमेशा लिक्विड आईलाइनर ही प्रेफर करिए, ये हमारी स्किन पे बहुत ही अच्छे से। तो मैं अपने क्यूपिड बोन्स पे, फोरहेड पे, नोज़ पे इसे बहुत अच्छे से लगाने के बाद सेम ब्रश की हेल्प से इसे अपनी स्किन पर सेट करूँगी। इसके बाद इस पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैं मेबिलिन का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, जो मेरी स्किन पे ये बहुत अच्छे से मेरे मेकअप को सेट कर देगा और बिल्कुल भी मेकअप केकी नहीं होगा। तो आप हमेशा इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी आईब्रो पेंसिल से। तो जिस भी डायरेक्शन में आपकी आईब्रोज़ हैं उसी डायरेक्शन में आप अपनी आईब्रोज़ को फिल करिए आईब्रो पेंसिल की हेल्प से। और उसके बाद मैं आईब्रो ब्लेंडर की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को ब्लेंड करूँगी जिससे कि बिल्कुल भी जो आईब्रो पेंसिल या काजल पेंसिल है वो एक जगह ना रहे, पूरी आईब्रोज़ में मिक्स हो जाए। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूँगी, तो इसलिए मैं कैमरा थोड़ा जूम करके आपको आई मेकअप
एक शेप दीजिए आई शेडो को और पूरी आईज को बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग मोशन में ब्लेंड करिए। इसके बाद मैं आईलाइनर लगाना स्टार्ट करूँगी। मैं ब्लैक आईलाइनर ही प्रेफर कर रही हूँ आज, क्योंकि ये नाइट फंक्शन है तो ब्लैक आईलाइनर ही बहुत अच्छा सा लुक देगा और मेरे फेस को एक हाईलाइट भी देगा। और मैं कोई भी विंग आईलाइनर कुछ भी क्रिएट नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल आईलाइनर लगा रही हूँ। बस हाँ, थोड़ा सा मोटा आईलाइनर लगाऊँगी जिससे कि मेरी आँखें थोड़ा बोल्ड दिखाई दें। और फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि मेरी आंखें जो हैं वो नाइट पार्टी में थोड़ा सा बोल्ड दिखाई देंगी और स्किन भी फ्लॉलेस नज़र आएगी। तो आपको थोड़ा सा मोटा आईलाइनर लगाना है और इसके बाद आपको जो आपने आई शेडो यूज़ किया है उसी आई कलर के शेडो को नीचे वाटर लाइन के नीचे भी उसी कलर को बहुत ही लेस अमाउंट में लेके उसे अपनी वाटर लाइन के नीचे भरना है और साइड में एक शेप देना है अपने आई शेडो को, एक वी शेप देना है दोनों कलर्स को आपस में मिला के, कॉर्नर को मिला के। और इसके बाद आपको फिर हाइलाइटर लेके अपने आईज़ के इनर कॉर्नर पे लगाना है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं वाटर लाइन पे काजल फिल करूँगी और थोड़ा सा मोटा काजल ही फिल करूँगी तो मेरी आंखें जो हैं वो थोड़ा सा बोर्ड नज़र आएंगी। प्रोडक्ट्स की जितनी डिटेल है वो आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बाद मैं अपनी दूसरी आई का मेकअप स्टार्ट करूंगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मस्कारा लगा रही हूँ, मैं फेक आईलाइसेस नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं नॉर्मल मस्कारा लगा रही हूँ। और मस्कारा लगाने से पहले मैंने थोड़ा सा पाउडर अपनी आईलाइसेस पे लगाया है जिससे कि जो फॉल्स लैसेस, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं मेरी दोनों आईज़ का, मेकअप वाली और जो मैंने मेकअप नहीं किया है। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं कंटोरिंग स्टार्ट करूँगी। मैंने अपनी दूसरी आईज़ का भी मेकअप कम्प्लीट कर लिया है तो मैं यहाँ पर ब्राउन कलर से कंटोरिंग करूँगी। आप अपने आई शेडो पैलेट से ही ये कलर ले सकते हैं और अगर आपके पास कंटोरिंग स्टिक है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो जो पॉइंट्स मैं दिखा रही हूँ उन्हीं पॉइंट्स पे आप कंटोरिंग करिए। बहुत ही लेस अमाउंट में अपना जो आई शेडो है वो लीजिए और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप इसे बहुत अच्छे से अपनी स्किन पर ब्लेंड करिए। इससे आपके फेस को एक शेप मिलेगा। बहुत अच्छे से ब्लेंड करिएगा, कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए आपके फेस पे। आपका फेस थोड़ा सा स्लिम दिखाई देगा और आपकी नोज़ भी थोड़ी सी नुकीली दिखाई देगी। तो मुझे इस वाले गाल पे अपना थोड़ा सा कंटोरिंग कम लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा और कंटोरिंग वहाँ पे की है। इसके बाद मैं अपने ब्लश को अपने चीक्स पे लगाऊंगी जिससे कि मेरे चीक्स थोड़े से हाईलाइट हो। और मैंने पिंक कलर का ही ब्लश लिया हुआ है और इससे भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करूंगी। फ्रेंड्स, जब भी आप ब्रश पे अपने कलर लीजिए उसे पहले थोड़ा सा अपने हाथ पर लीजिए जिससे कि ज़्यादा अमाउंट ना आपके फेस पे आए और उसके बाद आप ब्लेंड करिए अपने फेस को। इसके बाद मैं मैट कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी, रेड कलर की। ये मेरे लगाने का पर्पज़ इसका सबसे ज़्यादा ये है कि ये बहुत ही जल्दी सूख जाएगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगी सूखने में और ये बहुत देर तक स्टे करेगी मेरे होठों पे। तो और मैंने मेकअप भी थोड़ा सा ज़्यादा किया है तो यहाँ पे मैं अगर शाइनी लिपस्टिक लगाऊंगी तो वो थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा तो मैं मैट कलर की लिपस्टिक ही प्रेफर कर रही हूँ इस मेकअप के लिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं एक्सरसाइज होके आपसे मिलती हूँ। तो ये मेरा लुक है आज का, तो मैं अब एक्सरसाइज होंगी और अपने हेयर्स बनाऊँगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइज, आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आज मैंने बिंदी अवॉइड की है, गले में भी मैंने चेन मैं अभी उतार दूंगी, चेन भी नहीं डाली हुई है क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग शॉर्ट हाइटेड होते हैं तो अगर वो बहुत सारा हैवी ज्वेलरी पहन लेंगे तो उनकी हाइट और कम लगने लगेगी और मेरी हाइट बहुत नहीं है तो इसीलिए मैं गले में पहनना अवॉइड करती हूँ जिससे कि मेरी हाइट थोड़ी सी मैं अपनी हाइट से लंबी लगूँ। और इसीलिए मैं मोस्टली गले में अवॉइड करती हूँ और कानों में मैं इयररिंग्स थोड़े से हैवी पहन लेती हूँ।
हूँ। और मैंने आज ये साड़ी भी थोड़ी हैवी कैरी की है, इसीलिए मैंने ज्वेलरी भी कम प्रेफर की है और मैंने बिंदी भी अवॉइड की है क्योंकि मैंने मांग टीका थोड़ा सा हैवी लगाया हुआ है। तो आई होप गाइज आपको मेरा ये लुक पसंद आया है। पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।